मित्रों जय माता दी, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। जिस तरह से एक नदी अपने बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह इंसान को भी अपनी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज की तारीख 1 मई 2024। आज का वार है बुधवार। आज वैशाख माह का सातवां दिवस है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 5:45 सुबह तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि अगले दिन 4:01 तक रहने वाली है। तदुपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 5:40 सुबह। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:57 शाम को। आज चंद्रोदय 1:49 अगले दिन सुबह पर होगा और चंद्रास्त का समय है 11:39 सुबह को। आज का नक्षत्र श्रवण 3:11 अगले दिन सुबह तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है। आज सूर्य मेष राशि में विराजमान है। आज का पहला कर्ण भव 5:45 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण बालव 4:56 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद कौलव कर्ण 4:01 अगले दिन सुबह तक रहेगा। मई 2024 में आने वाले व्रत और त्योहार इस प्रकार रहेंगे। 1 तारीख बुधवार कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 4 मई को शनिवार मरुथनी एकादशी का व्रत होगा, 5 मई रविवार को विश्व हास्य दिवस और प्रदोष व्रत है, 6 तारीख सोमवार को मासिक शिवरात्रि, 7 तारीख मंगलवार को दर्श अमावस्या अन्वाधान रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, 8 तारीख बुधवार को वैशाख अमावस्या और इष्टी होगी। आज का योग शुभ 8:02 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशा शूल की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है। किसी खास कार्य के लिए, किसी खास प्रयोजन के लिए आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा ना करें। बहुत ही आवश्यक हो तब धनिया, तुलसी और तिल, इन वस्तुओं को सेवन करके उत्तर दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आइए जानते हैं शुभ योग के बारे में। शुभ योग किसी भी प्रकार का महान या जनहित का कोई कार्य करना चाहिए तो इस योग में अवश्य करें, आपको शुभ फल मिलेगा। इस योग में कोई कार्य करने से मनुष्य महान बनता है और प्रसिद्धि को भी प्राप्त होता है। जैसे पानी का प्याऊ लगवाना, विद्यार्थियों को निशुल्क पढ़ाना, गरीबों के लिए जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाना, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना इत्यादि। आज का शुभ समय, आज का विजय मुहूर्त 2:31 दोपहर से 3:24 तक रहेगा। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:14 सुबह से 4:57 सुबह तक रहने वाला है। मित्रों आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज के अन्य शुभ योगों में से अमृत कालम योग 5:12 शाम से 6:44 शाम तक रहेगा। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 12:18 दोपहर से 1:58 दोपहर तक रहने वाला है। आज यमगण काल का समय 7:20 सुबह से 8:59 सुबह तक रहेगा। मित्रों राहु काल और यमगण काल दोनों ही अशुभ समय हैं, इसलिए इन समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य और नए कार्य प्रारंभ नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज लाभ समय है 5:40 सुबह से 7:20 सुबह तक रहेगा। अमृत समय 7:20 सुबह से 8:59 तक रहने वाला है। शुभ समय 10:39 सुबह से 12:18 दोपहर तक रहेगा। चर समय अर्थात सामान्य समय 3:37 दोपहर से 5:16 शाम तक रहेगा।
लाभ समय 5:16 शाम से 6:57 शाम तक रहने वाला है। आज रात्रि के चौघड़िए में शुभ समय 8:17 शाम से 9:37 तक होगा। अमृत समय 9:37 शाम से 10:58 तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 10:58 रात्रि से 12:18 मध्य रात्रि तक होगा। लाभ समय 2:59 अगले दिन सुबह से 4:19 तक रहेगा। मित्रों ये था आज का शुभ पंचांग, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहें अनोखा संगम का पंचांग और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। माता शेरावाली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।